बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू ई एक्सीलेंट ई लर्निंग प्रोग्राम। आवर टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो तरह से मैं इसको डिफाइन करूँगा, एक इसकी फिजिकल डेफिनेशन है और एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। फिजिकल डेफिनेशन जो है उसमें हम ये कहते हैं कि ये मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया या पासिंग थ्रू एनी सरफेस कह लें। जारी बात है सरफेस होगी तो उसका एरिया होगा और फर्दर उस एरिए का हम छोटा सा कोई पार्ट ले रहे होंगे, दैट इज एलिमेंट। तो ये तादाद है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो किसी एरिए में से कह लें, एलिमेंट ऑफ एरिया कह लें, या किसी सरफेस में से पास कर रही हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को फिर हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो कि ये डॉट प्रोडक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये क्या है, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ऑफ ए सरफेस। इन दो चीज़ों का जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस दोनों डेफिनेशन से एक बात हमें वैसे ही वाजे हो रही है इनकी वर्डिंग से कि ये जो स्केलर को ये जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसे, जब हमने कहा कि ये नंबर है तादाद है तो कोई भी नंबर हो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ऑल नंबर्स आर स्केलर्स, सो फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा भाई, इसमें क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये भी हम जानते हैं कि किसी भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी। तो लिहाजा दोनों डेफिनेशन से ये बात वाजे होती है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। इसको भी एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक सिंबल या लेटर कह लीजिए, इसको फाई से डिनोट करते हैं हम। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इसकी ऐसे यूनिट की तरफ आते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि ये दोनों जिन क्वांटिटीज़ का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इन्हीं दोनों की जो यूनिट्स का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई की यूनिट होती है भाई न्यूटन पर कूलम और ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वेयर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम, दिस इज़ एस ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वेक्टर एरिया की हम बात करेंगे कि वेक्टर एरिया क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वेक्टर एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी है। मसलन हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब इसका वेक्टर एरिया अगर हम बात करेंगे तो वेक्टर एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी है। लेकिन अब जारी बात है जो वेक्टर क्वांटिटी है इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अब इसके वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होना है और उसकी डायरेक्शन क्या होनी है, तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा जितना इस सरफेस का एरिया है। सिर्फ एरिया की बात करेंगे तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई वेक्टर एरिया का जो मैग्नीट्यूड होना है वो इस रेक्टेंगुलर सरफेस का जितना एरिया होगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया। और डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा ये याद रखिएगा कि जिस भी सरफेस का हम वेक्टर एरिया ले रहे हों तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ। तो ऐसे आप समझ लें कि ये यहाँ से बाहर की तरफ आउटवर्ड
और नॉर्मली परपेंडिकुलरली। अगर ये सरफेस सपोज अगर हम कंसिडर कर रहे हों तो इसका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी, बाहर की तरफ होना है और नॉर्मल होना है इस सरफेस पर, राइट। इसलिए भाई हम मसलन ये कोई सरफेस है तो उसका वेक्टर एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो इस सरफेस के नॉर्मल होगी और आउटवर्ड होगी, जिसको हम एन यूनिट वेक्टर से भी दिखा लेते हैं। जैसे दिस इज अ वेक्टर एरिया एंड ए इट्स मैग्नीट्यूड एन यूनिट वेक्टर, इससे हम इसकी डायरेक्शन को शो करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल है, अमूदन है और बाहर की तरफ होना है, नॉट इनवर्ड। मसलन देखिए ये अब नॉर्मल तो है बट इट इज़ इनवर्ड, तो इनवर्ड इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, आउटवर्ड हमेशा बाहर की तरफ। जैसे रूम जो है इसकी सीलिंग का वेक्टर एरिया लें तो वो नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन आएगी, फ्लोर का लें तो अपवर्ड आएगी। इस हम वाइट बोर्ड का वेक्टर एरिया ले रहे होंगे तो यहाँ से बाहर की तरफ, नॉट इनवर्ड, इट विल बी ऑलवेज आउटवर्ड एट नॉर्मल टू द सर्फेस, क्लियर। तो ये भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें वेक्टर एरिया का समझना था कि वेक्टर एरिया क्या होता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं, उस केस को हम फिगर से भी समझेंगे और वर्डिंग से भी समझेंगे। जैसे अगर इस फिगर को हम देखें तो ये रेड से जो मैंने आपको रेड लाइन से जो आपको दिखाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये ब्लैक से कोई सरफेस दिखाई हुई है। ये सरफेस जो है ये इसको परपेंडिकुलरली रखा गया है ई के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ये परपेंडिकुलर है। तो आप केस वन फिर ये कह लें कि व्हेन सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई, या अहम बात अब समझिएगा, या ये कहें कि इस सरफेस के वेक्टर एरिया और ई के दरमियान एंगल जीरो हो। व्हेन एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया ऑफ ए सरफेस एंड ई इज जीरो, या जब सरफेस को कैसे हेल्ड किया गया हो, कैसे रखा गया हो, परपेंडिकुलर टू ई, ठीक। तो ये भी दो बातें मतलब के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से ये एक ही है, वर्डिंग से हमें लगता है जैसे ये कोई डिफरेंट बात कर रहे हैं, ठीक। अब ऐसे समझिएगा आप, ये मेरी फिंगर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं, ये सरफेस है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरी फिंगर्स और सरफेस के दरमियान एंगल 90 है, यानी सरफेस परपेंडिकुलर है किसके, ई के, राइट। अब देखिए जब हमने इसका वेक्टर एरिया लेना है सरफेस का, तो वेक्टर एरिया तो इसके नॉर्मल होगा और आउटवर्ड होगा। तो अब ये देखिएगा कि ये बोर्ड मार्कर और मेरी फिंगर्स एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इनके दरमियान एंगल ज़ीरो हो गया। तो वो ये बात मैं कर रहा था कि एंगल बिटवीन ई एंड ए दिस विल बी ज़ीरो, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक हम बात कर रहे हैं एंगल की जो सरफेस और ई के दरमियान है, दूसरा हम बात कर रहे हैं सरफेस के वेक्टर एरिया और ई के दरमियान। तो ये दोनों में, दोनों को समझना है किस एंगल की बात हो रही है। तो दोनों में आप देखिए कि जब सरफेस को परपेंडिकुलरली हेल्ड किया गया होगा ई के, तो फिर उस सरफेस के वेक्टर एरिया और ई के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा। तो अब भाई फार्मूला हमारे पास है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, अब थीटा को ज़ीरो पुट कर दीजिए, राइट। तो कॉस ज़ीरो वन होता है तो ये ई ए आ जाएगा।
जो कि मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा होगा। इस सूरत में जब सरफेस को परपेंडिकुलरली हेल्ड किया गया होगा ई के, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो पास कर रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये परपेंडिकुलर की सिंबल जो है, अलामत जो है वो डाल दी है। तो इसका मतलब ये है कि जब सरफेस को कैसे हेल्ड किया गया होगा, परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो तब मैक्सिमम फ्लक्स उसके थ्रू पास कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई सेकंड केस है कि जब सरफेस को प्लेस किया गया हो या हेल्ड किया गया हो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पैरेलल टू ई, या क्या कहेंगे कि जब ई और ए के दरमियान, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल जब 90 का हो। इसको भी मैं ज़रा डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि ये फिर से देखिएगा कि ये मेरी फिंगर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं, ये सरफेस। तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये पहली बात को समझिए, व्हेन सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू ई, तो ये आपके सामने। अब इस सरफेस का हमने वेक्टर एरिया लेना है भाई, तो वेक्टर एरिया इस सरफेस के नॉर्मल होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड मार्कर जो कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है और मेरी फिंगर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनके दरमियान एंगल कितना है, वो 90 का है भाई। ठीक हो गया भाई। तो ये भी फिर आपको पता होना चाहिए कि जब सरफेस को पैरेलल हेल्ड करेंगे तो फिर ई और ए के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। दिस इज द सेकेंड केस। तो अब भाई इसमें फार्मूला हमारा वही है, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा लिख लेंगे भाई, और थीटा को हम 90 पुट करेंगे। तो आप जानते हैं कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू 0। नो फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द सरफेस, या ये कह लीजिए कि मिनिमम फ्लक्स पास कर रहा होगा। इस सूरत में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इस सरफेस और ई के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर फिर मैंने ये एक पैरेलल की सिंबल डाल दी है, यानी जब सरफेस पैरेलल हो ई के तो तब उसके थ्रू फ्लक्स 0 होता है, मिनिमम फ्लक्स पास कर रहा होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे भाई थर्ड केस की। मैं आपसे कहूँगा कि ये दो जो हमने पहले डिस्कस किए हैं ये स्पेशल केसेस हैं, और ये थर्ड वन जो है ये एक जनरल केस है। जनरल केस इसलिए है कि ज़रूरी नहीं ई और ए के दरमियान एंगल 0 हो, ई और ए के दरमियान एंगल 90 हो, ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी एंगल हो सकता है, वो 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 30 हो, वट एवर, 0 हो, 90 हो, वट एवर द एंगल। तो थर्ड केस जो है वो जनरल केस है। तो इसमें आपसे कहा गया है कि जब एंगल बिटवीन ई एंड ए वो कितना हो, थीटा हो। तो फिगर को भी समझ लीजिए कि इसमें आप ये रेड से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस का वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के दरमियान एंगल कोई थीटा है, राइट? ये कोई भी एंगल हो सकता है, इसमें हम इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि ये 0 का है, 10 डिग्री का है, 30 का है, 60 का है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो भाई फिर अब ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वी कैन राइट इट ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा भी जितना होगा उसके मुताबिक हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली कि ये फ्लक्स मिनिमम कब हो सकता था और मैक्सिमम कब हो सकता है, ये उसके लिए भाई दो स्पेशल केसेस थे
जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसका मतलब इस केस में, ये जो जनरल केस है इसमें, इसका मतलब कोई भी फ्लक्स हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, ज़ीरो और मैक्सिमम के दरमियान भी कोई फ्लक्स हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इस थीटा की वैल्यू के ऊपर। अच्छा, अगर हम गौर करें इस फार्मूले के ऊपर, तो तीन फैक्टर हुए फिर हमारे पास जिनके ऊपर हमारा ये फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, सरफेस का एरिया कितना है, और सरफेस ई और सरफेस के वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना है। इसका मतलब ये तीन फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करेंगे कि फ्लक्स कितना पास कर रहा है। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।